नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। हमारा ये जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थकेयर इंटरनेशनल, इसमें हम बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होम्योपैथी से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड दे रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से देखें, हर एक वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। आज बात करेंगे राइट साइडेड साइटिका के बारे में। राइट साइडेड अगर साइटिका का प्रॉब्लम है तो आपको कौन सी दवाई लेंगे तो बहुत क्विक रिलीफ मिलेगा। फास्ट तरीके से आपको रिलीफ पाने के लिए एक पर्टिकुलर दवा है जिसका नाम है नफालियम, GNAPHALIUM, नफालियम स्पेसिफिक दवा। जी से शुरू होता है लेकिन उसका उच्चारण एन से होता है, नफालियम। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखें। वैसे तो बहुत सारी दूसरी दवाएं भी है लेकिन नफालियम बहुत तेजी से काम करने वाला दवा है। कैसे आप इसको लेना है, सबसे बढ़िया है 6, 12 या 30 पोटेंसी, लोअर पोटेंसी जितना भी है आप उसको अगर लेंगे तो बहुत क्विकली काम करेगा। आप 6 पोटेंसी को हर 3-3 घंटे में या 2-2 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं, 3-4 बूंद 5 बूंद तक रिपीट कर सकते हैं। कुछ दिनों तक लेना, 2-3 दो से 3 दिन आप कंटिन्यू रिपीट करें इसको और देखेंगे आपका जो साइटिका नर्व है, जो साइटिका नर्व है कमर से लेकर एड़ी तक जाता है, उसमें अगर सूजन आ जाता है तो दर्द बहुत भयानक होता है। और राइट साइडेड का जो साइटिका है उसके लिए नफालियम से फास्ट रिलीफ करने वाला दवा हमने आज तक नहीं देखा है, बहुत ही हाईली इफेक्टिव दवा है लोअर पोटेंसी में, क्योंकि ये एक एक्यूट दवा है और उसका उतना डीप एक्टिंग भी नहीं है। तो आप इसको बार बार अगर रिपीट भी करेंगे लोअर पोटेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ड्रग प्रूविंग भी नहीं होगी, कोई एग्रावेशन होने का भी नामो निशान नहीं है। दूसरी दवाइयाँ है कुछ लेकिन उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो एग्रावेशन होने का चांसेस है और बार बार रिपीट भी आप नहीं कर सकते, लेकिन नफालियम जो दवा है इसको आप रिपीट कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं। और लोअर पोटेंसी 6, 12, 30 को अगर आप कंटिन्यूसली लेंगे 3-4 दिन तो आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। जैसे ही रिलीफ मिल जाए आप उसका ड्यूरेशन कम कर देना, मतलब पहले आप 4 से 5 बार 6 बार ले रहे थे तो उसका ड्यूरेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसको दिन में 2 बार कर देना, फिर दिन में 1 बार करके ऐसे करके आप उसको बंद कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक दवा है राइट साइडेड साइटिका के लिए, दवा का नाम है नफालियम, इसको याद रखें। कैसे लेना है मैंने डिटेल में बता दिया है और जिनको भी है ज़रूर आप उनको सजेस्ट करें कि ये दवा ज़रूर लीजिए, क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम में ऐसा कोई इसके लिए पर्टिकुलर दवा है नहीं कि राइट साइड साइटिका के लिए आप लेंगे, लेफ्ट साइड के लिए वो लेंगे। जनरली वो लोग पेन किलर्स देते हैं, पेन किलर्स जो कि उस नर्व को पैरालाइज कर देता है, जो कि बाद में जाकर उसके लिए खतरा बन सकता है। कैसे खतरा, कि कंटिन्यूसली अगर हम किसी नर्व को पैरालाइज करें तो अंत में वो डेड हो जाएगा या फिर उसका काम करना भी बंद हो सकता है, तो पैरालाइज्ड सिचुएशन क्रिएट होता है, परमानेंट नमनेस आ सकता है, वो पैर काम करना बंद कर सकता है या फिर जिस मसल को वो नर्व ने सप्लाई किया है वो उसका काम बिल्कुल बंद हो जाएगा, वो मसल्स भी एक्शन आना बंद हो जाएगा। तो मस्कुलर एक्शन के कारण अगर बंद होने से चलना फिरना और बैठना ही जो भी दिक्कत है वो सब बंद हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप होम्योपैथी का इस्तेमाल करें और नफालियम खास करके इसका एक मोडालिटी है, मोडालिटी मतलब कहाँ पे ये बढ़ता है और कहाँ पे कम होता है उस चीज़ के बारे में भी बता देता हूँ आपको, चॉइस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कि पेशेंट जब बोले कि मुझे चलने से, लेटने से, झुकने से, किसी भी कंडीशन में मुझे प्रॉब्लम बढ़ता है, दर्द बढ़ता है जो साइटिका का, राइट साइड साइटिका का, लेकिन मुझे बैठने से मुझको आराम मिलता है। नफालियम का जो पेशेंट है उसको सिर्फ बैठने की पोजीशन में उसको आराम मिलता है, बाकी हर एक कंडीशन में उसका प्रॉब्लम बढ़ता है। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एक आप याद रख लेना, इसके सहारे आप उस पेशेंट को नफालियम दे सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं, क्विकली उसको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो ये था राइट साइडेड साइटिका के लिए हमारा आज का ये वीडियो। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट साइडेड साइटिका अगर आपको है तो उसमें कौन सा दवाई स्पेसिफिक फास्ट तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, अपने सोशल नेटवर्किंग के साइड
जितने भी साइट्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, आप सॉल्व शेयर करें लोगों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि होम्योपैथी का जो दवाइयाँ हैं कितनी तेज़ी से काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।